जनपद फरुखाबाद में कायमगंज कोतवाली के अंतर्गत ग्राम जूनी में एक दरिंदे पिता ने कुछ महीनों पहले बड़ी लड़की का गला रेत कर हत्या कर दी थी। उसी पिता ने कल शाम लगभग रात्रि 9 बजे अपनी छोटी लड़की शिवानी पुत्री अवधेश, जिसकी उम्र 12 वर्ष बताई जा रही थी, लड़की के भाई का कहना है कि हम लोग फरीदाबाद में रहते हैं और वहीं पे काम करते हैं। जब हम लोग काम करने के लिए निकल गए तो बाद में हमारी मम्मी ने फोन किया कि शिवानी मर गई है, और एक तरफ ये भी बोल रहे हैं कि वीके हॉस्पिटल फरीदाबाद में लेके गए, तब डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया और बोला कि हार्ट अटैक आ गया है। अब हैरान करने वाली बात यह है कि ना कोई टेंशन और ना ही कोई बीमारी, फिर 12 वर्ष की बच्ची की मौत हुई तो कैसे। और एक तरफ ग्रामीणों का कहना है कि ये लड़की कल गांव में ही थी और लड़की का पिता भी यही था, तो फरीदाबाद कब पहुंचे। और एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें ग्रामीण आपस में बात कर रहे हैं कि उसने अपनी लड़की की खुद ही हत्या कर दी, और लड़की का पिता अवधेश सिंह सबको गुमराह कर रहा है, जिसके चलते उसने सुबह 10 बजे लड़की का अंतिम संस्कार भी कर दिया जिससे पुलिस को कोई भनक ना लग सके। राघविंदर, कौन सा गांव है आपका? जूनी। क्या हुआ था? हुआ तो कुछ नहीं, शाम को खाना खाया, सुबह भी खाना खाया, हम दोनों ने इकट्ठा साथ में ही, क्योंकि भाई तो ड्यूटी नहीं जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा इस रेट पे, मेरी कंपनी थी तो गए ड्यूटी हम। शाम को बस 11 बजे लगभग हमारे तीर फोन आओ कि एक लड़का ने फोन करो कि मेरी मम्मी रो रही, तो हमने आए फिर कमरा पे, कमरा पे आए गई, हमने पता करो तो देखें कहा तब खत्म हुई। तब हमारे पड़ोसी थे तो लेके गए बीके ले जाए गई, उन्हें भर्ती कर दो, तो उन बताओ या वो कहा बोल। क्या नाम था लड़की का? लड़की शिवानी नाम है। शिवानी नाम। पापा के क्या नाम तुम्हारे? अवधेश। तो मतलब वो जब डॉक्टर के पास लेके, डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर किससे मौत हो गई? हार्ट अटैक बोल रहा था। अच्छा, हार्ट अटैक से मतलब मौत हो। कितने वर्ष की होगी शिवानी? 12 साल की। हाँ। TV1 इंडिया न्यूज के लिए शिव कुमार के साथ इंद्रेश कुमार की रिपोर्ट, कायमगंज फरुखाबाद। गुरुवार के दिन मझौलिया थाना क्षेत्र के धोकराहा पंचायत स्थिति पुराने चिमनी के समीप रोड के किनारे झाड़ी में संदिग्ध स्थिति में बिना नंबर प्लेट की हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस नीले रंग की बाइक मिलने से ग्रामीणों तथा राहगीरों में दहशत का माहौल बना हुआ था। आपको बता दें कि ग्रामीणों की सूचना पर मझौलिया पुलिस अपने दल बल के साथ पहुंचकर बाइक को अपने कब्जे में ले लिया। वहीं दरोगा अब्दुल हाफिज ने बताया कि बाइक के स्वामी के बारे में फिलहाल पता नहीं चल सका, फिलहाल उन्होंने बाइक को अपने कब्जे में ले लिया है। आपको बताते चले कि रोड के किनारे झाड़ी में बाइक मिलने से कई आशंकाएं जताई जा रही हैं, वहीं पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। TV1 इंडिया न्यूज के लिए प्रकाश वर्मा की रिपोर्ट, मझौलिया बिहार। जहां लोकसभा चुनाव को मात्र 2 हफ्ते ही बाकी है, जिसके चलते सभी पार्टियां घमासान में जुटी हुई है, वहीं हर बार की तरह इस बार भी जिन्हें उस पार्टी से टिकट नहीं मिल पा रहा है जिसके वह कार्यकर्ता थे, वे दल बदलने में लगे हुए हैं तथा नए चेहरे भी चुनावी दंगल में शामिल हो रहे हैं तथा सभी पार्टियां जनता को अपने अपने चुनावी मुद्दे गिना रहे हैं। इसी संदर्भ में गोंडा जनपद तरबगंज तहसील अंतर्गत ब्लॉक नवाबगंज के कटरा ग्राम सभा में TV1 इंडिया न्यूज की टीम ने यह जानने की कोशिश की कि अब की बार किसकी सरकार 2019 में जनता किसको पहनाएगी जीत का ताज। 2019 के इस चुनाव में आप किसको वोट देना पसंद करते हैं? जिसकी सरकार है उसी को वोट। जिसकी सरकार है आप उसी को वोट देना पसंद करते हैं? क्योंकि अधूरे में छोड़ दिया है, काम पूरा होना बाकी है, इसको मौका नहीं मिलेगा तो फिर काम पूरा नहीं होगा। आपका नाम? महंत कटरा के था। टाइम में सरकार चल रही है तो ये सरकार अच्छा काम कर रही है? बिल्कुल अच्छा काम कर रही है, जो राष्ट्र के हित का काम करे, हमारे देश की रक्षा करे, जो देश का गौरव बढ़ावे, विश्व में नाम करे, उसी को सरकार बन जाए, वोट करेंगे। जो सरकार, आपने कहा कि यह सरकार आज प्रेजेंट टाइम में बहुत अच्छा काम कर रही है, कुछ आप बताएंगे कि वो क्या अच्छा काम कर रही है? अच्छा कह रही है, हमारे देश की रक्षा कर रही है, तमाम आतंकवादियों को खत्म कर रही है, देखिए हमारे देश का नाम, जो आज विश्व के देश हमारे देश को मानते नहीं थे, हमारा देश विकसित हो रहा है, यहाँ तमाम प्रकार के जो है कार्य हो रहे हैं, हमारे देश का नाम हो रहा है आगे, तमाम प्रकार प्रक्रिया कर रही है, तमाम आगे कार्य बढ़ रहे हैं। एडवोकेट क्या कहना चाहते हैं? हमें चाहते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने आज देश के लिए काम करना शुरू किया, सबका साथ सबका विकास का उनका नारा है, अगर उनका नारा है सबका साथ सबका विकास, तो हम सबका भी दायित्व है कि उनके साथ खड़े हों, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों, पूरी तन्मयता के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ इस सरकार को पुनः हम लोग लाएं, ताकि इस देश अपने परम वैभव को प्राप्त हो
और जो आताताई जो अत्याचारी जो देश को विखंडन करने वाली शक्तियां हैं वो पराजित हो और ये देश स्वयं फिर निखर कर एक समृद्धशाली राष्ट्र के रूप में हम सबको आज मिले। इसी कामना के साथ हम सब चाहते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को पुनः पूर्ण बहुमत के साथ लाया जाए। खेती करते हैं आज जो हमारी सरकार है नरेंद्र मोदी जी की प्रधानमंत्री जो है तो किसानों के प्रति उन्होंने जो काम किया है आप उससे संतुष्ट हैं? संतुष्ट है, उससे संतुष्ट है। मैं जब कभी गया हूँ काफी गांवों में जब गया हूँ तो सबसे बड़ी समस्या आती है ये जानवरों की, तो आप जानवरों के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? जानवरों के बारे में क्या कहा, जब हम ही लोग सब छोड़ते हैं तो उसमें कहना क्या है। ये बहुत बहुत अच्छा, ये आपने वास्तविकता में बहुत अच्छा। चलिए आपका बहुत क्या कहना चाहते हैं? कहना यह चाहता हूँ कि देश की आजादी के लिए जिन शहीदों ने, चाहे भगत सिंह हो, चंद्रशेखर जी रहे हो, या आप गुरु गोविंद सिंह, लेकर के इस देश में धर्म और राष्ट्र रक्षा का संकल्प लेकर के जो त्याग बलिदान निस्वार्थ स्वार्थ रख करके कोई वो नहीं किया है, ऐसे ही वर्तमान काल में भारतवर्ष को एक सच्चा प्रधानमंत्री मिला है। हम सभी लोगों से, देशवासियों से आग्रह करेंगे कि यहाँ कोई भी स्वार्थ की सोच न रखते हुए फिर एक बार भारत को विश्व गुरु बनाने का, राष्ट्र निर्माण का संकल्प लेकर के मोदी के साथ खड़े हूँ, भारतीय जनता पार्टी को करें। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे ये आग्रह करता हूँ कि हो सकता है हमारी कोई भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी आवश्यकता की पूर्ति ना हो पाई, जहाँ राष्ट्र रक्षा, राष्ट्र संकल्प, और जहाँ हिंदुत्व खतरे में दिखाई दे रहा है, पूरा समाज खतरे में दिखाई दे रहा हो। जो आज 2019 का चुनाव आने वाला है, आप प्रधानमंत्री की कुर्सी पे किसको देखना चाहते हैं? मोदी जी। मोदी जी को ही क्यों देखना चाहते हैं? जो अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। नहीं, आपने कहा मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो अच्छा काम वो क्या कर रहे हैं ये तो कुछ तो बताएंगे कि उन्होंने अच्छा काम क्या किया है? उनके सारे काम अच्छे हैं, बताना क्या है, उनके सारे काम अच्छे। आप मोदी जी को ही प्रधानमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहते हैं? सर, आपका नाम? गुरु प्रसाद पांडे। आप कहाँ से आए हैं? बस्ती से। क्या कहना चाहते हैं? अब हम तो भाई कुछ नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन फिर भी मोदी जी सबसे अच्छे। मोदी जी सबसे अच्छे, सबसे अच्छे। आप दूसरी सरकार को नहीं आना चाहते? नहीं, नहीं। क्यों नहीं आना चाहते? अरे भाई, अब क्यों वाली सवाल है तो समझ में नहीं आता। मतलब मोदी जी आज देखा जो करती है माननीय मोदी जी को, कारण हमारे देश की पहली चीज तो कि हमें, जब हमारा राष्ट्र बचेगा, हमारा धर्म बचेगा, हमारा देश बचेगा, तभी हम लोग रहेंगे। वैसे तो मैं आंगनवाड़ी वर्कर हूँ, हमारे विभाग के कुछ लोग नाराज भी हैं, लेकिन उन सब चीजों को नेग्लेक्ट करते हुए हमें अपने राष्ट्र हित में मोदी जी को ही वोट देना है। और मोदी जी ने बहुत सारे काम भी किए हैं। गांव की वो महिला जो कभी सोच नहीं सकती थी कि हम गैस चलाएंगे, वो गैस पे खाना बना रही है, हर घर में बिजली है, हर घर में शौचालय, क्या ले लेगी जनता भाई? इससे ज्यादा हमें कोई सरकार दे नहीं सकती। चोरों के हाथ में हमें अपने देश को नहीं सौंपना है, हमें मजबूत सरकार चाहिए जो माननीय मोदी जी। केवल मोदी जी अब देश की सारी आवश्यकताएं एक साथ पूरी नहीं हो सकती। केवल 5 साल के सरकार में अगर जनता चाहे कि वो पूरी तरह परीक्षा में पास हो जाए तो उसके लिए समय चाहिए। और जैसे अभी तक जो सरकारें थी, किसी ने 60 साल बिताया, किसी ने 2.5 साल बिताया, किसी ने 2 साल बिताया, किसी ने 1.5 साल बिताया, ऐसे अगर परीक्षा लेना चाहती है जनता तो एक बार और मौका दे और सारी परीक्षाओं में वो ये सरकार पास हो। प्रधानमंत्री जी को ही कुर्सी पर देखना चाहते हैं? बिल्कुल। चुनाव में आप किसको वोट देना पसंद करते हैं? सर, माननीय मोदी जी को। आप माननीय मोदी जी को वोट देना क्यों पसंद करते हैं? सर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सड़क हुआ, लाइट हुआ, सभी प्रकार की सेवाओं को उपलब्ध करा रहे हैं, धीरे धीरे सभी सब कुछ अच्छे से हो रहे हैं, बस एक बार और बचना है। आपका नाम क्या? जी, सचिन पाठक। आप कहाँ से आए? जी सर, नवाब। TV1 इंडिया न्यूज के लिए विपिन कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट, गोंडा।
ये मामला है जनपद बिल्हौर का, जहां आए दिन ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां जीटी रोड पर जगह जगह खड़ी रहती हैं, जिससे आए दिन यातायात बाधित होता रहता है। वही जिसमें एम्बुलेंस व अन्य वाहन भी घंटों जाम में फंसे रहते हैं। एम्बुलेंस में मरीज अपना दम तक ट्रैफिक की वजह से तोड़ देते हैं। आपको बता दें जिसकी तरफ प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से लोग बेपरवाह हैं। टीवी1 इंडिया न्यूज के लिए शिवम सक्सेना की रिपोर्ट, बिल्हौर कानपुर।